दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कि अगर आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम अपने क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन में। यहाँ पर आने के बाद गूगल में हमको सिंपली सर्च कर देना है UIDAI। यहाँ पे इतना लिखने के बाद सिंपली हम इसे सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद जो पहला वाला वेबसाइट आएगा UIDAI.gov.in, इस पर एक बार आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डेस्कटॉप साइड में। डेस्कटॉप साइड में करने के लिए यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, डेस्कटॉप साइड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बार क्लिक करके इसको हम डेस्कटॉप साइड में कर लें। डेस्कटॉप साइड में करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखते हैं यहाँ पे आपको गेट आधार का जो ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे गेट आधार वाले ऑप्शन के नीचे में देखेंगे तो कई सारे फीचर्स आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बुक एंड अपॉइंटमेंट वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखते हैं कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बुक एंड अपॉइंटमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फ्रेश आधार इनरोलमेंट, यहाँ पे नेम अपडेट, एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी अपडेट, डेट ऑफ बर्थ अपडेट, जेंडर अपडेट, बायोमेट्रिक फ़ोटो प्लस फिंगर आयरिस अपडेट, यहाँ पर ये सब आप अपडेट करवा सकते हैं। इसको स्क्रॉल करते हैं उसके बाद से कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर बुक एंड अपॉइंटमेंट एट रजिस्ट्रेशन रन आधार सेवा केंद्र वाले ऑप्शन के नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट वाले पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, इसको स्क्रॉल करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं लॉग इन बाई मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना आप मोबाइल नंबर डाल दें। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये कैप्चा आपको फिल कर देना है। मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर देता हूँ। यहाँ से कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेंड ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। यहाँ से आप ओटीपी फिल कर दें। यहाँ से मैं अपना ओटीपी फिल कर देता हूँ। OTP फिल करने के बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आपको सबमिट OTP एज प्रोसीड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करके कुछ टाइम वेट कर लेना है जब तक हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होता है। OTP को सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आपको अपडेट आधार का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट, उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप अपना फुल नेम डालेंगे, यहाँ पे नीचे में आपको आधार नंबर डालना है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अपना नेम और आधार नंबर डाल के उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। नेम और नंबर डालने के बाद दोस्तों स्क्रॉल करके आपको ऊपर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू अपडेट, यहाँ पे आप नेम अपडेट करना चाहते हैं या जेंडर अपडेट करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड बायोमेट्रिक्स। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर चेंज करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होगा, उसके बाद से सेव एस प्रोसीड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको इस चेक मार्क को फिल कर देना है और यहाँ से स्क्रॉल करके इसे सबमिट कर देना है। यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों देखते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ पे योर बुक अपॉइंटमेंट नंबर है, यहाँ पे आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों अब हम बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना यहाँ से बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं सर्च बाई सेंटर नेम। अगर आपको आधार सेंटर का नेम पता है तो यहाँ पर आप आधार सेंटर का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं।
अगर आपको पिन कोड मालूम है तो पिन कोड पर क्लिक करके आप गिट डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको पिन कोड भी नहीं मालूम है तो यहाँ पे आप अपना, यहाँ से आपको स्टेट डालने के बाद, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद, विलेज टाउन सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे आप इस एड्रेस पे दो इन्वॉल्वमेंट सेंटर है, यहाँ पे आप किसी पे भी एक पे जाके आप यहाँ से बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम किसी भी एक पे यहाँ पे देख सकते हैं बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं अगर स्लॉट अवेलेबल है तो ग्रीन होगा और नो स्लॉट अवेलेबल होगा तो रेड होगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी 27 तारीख को अवेलेबल है, 28 को अवेलेबल है। यहाँ से हम 28 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना टाइम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कितने बजे जाना है वहाँ पे। तो हम यहाँ से 10 बजे जाएंगे तो 10 सेलेक्ट कर लेते हैं टाइमिंग। उसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद सबमिट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पे आपको आधार सेंटर पे यहाँ पे 50 रुपये पे करना होगा इसके लिए आपको। तो यहाँ से हम कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अपॉइंटमेंट जो सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ से हम यहाँ से रिसिप्ट को डाउनलोड करेंगे तो ओपन वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से PDF में हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है अपॉइंटमेंट सेलेक्ट हो चुका है। दोस्तों हम बिना लाइन में लगे हुए हम आधार सेंटर पे जाएंगे और हमारा काम सबसे पहले हो जाएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।